दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ और उदाहरण के द्वारा 10 के समूह की मदद से दो अंकों की संख्याओं का उधार बोरोइंग लेकर घटाव सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। देखिए, बबली की मम्मी ने मार्केट से घर आते आते बंटी और बबली के लिए कुछ चॉकलेट स्टिक्स भी खरीदी थी। अरे देखो, लगता है बबली चॉकलेट स्टिक्स देखकर बहुत खुश है। अरे वाह, चॉकलेट स्टिक्स, मैं तो 12 स्टिक्स लूंगी। बबली, यहाँ कुल 21 चॉकलेट स्टिक्स है। अगर 21 स्टिक्स में से 12 स्टिक्स तुम लेती हो तो बंटी के हिस्से में कितनी स्टिक्स आएगी? यह जानने के लिए हमें 21 यानी 2/10 टेंस और 1 इकाई वंस में से 12 यानी 1/10 टेंस और 2 इकाई वंस का घटाव माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो 21 घटाव माइनस 12 कितने होंगे? इन संख्याओं को 1/10 के बॉक्स में लिखकर सबसे पहले हम 1 के बॉक्स की संख्या का घटाव करेंगे। हाँ, सही कहा। सबसे पहले 1 के बॉक्स की संख्या का ही घटाव करना है। पर यहाँ 1 के बॉक्स में 1 में से 2 कम नहीं हो सकते, इसलिए 1/10 के बॉक्स के 2 10 से 1 10 उधार बोरो लेंगे। हाँ, तो अब 1 के बॉक्स में हम 1 की जगह 11 इकाई लिखेंगे और 1/10 के बॉक्स में हम 2 10 की जगह 1 10 लिखेंगे। अब हम सबसे पहले 1 के स्थान पर 11 इकाई में से 1 और 2 इकाई का घटाव करेंगे तो 1 के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बचेंगे। अब देखो, यहाँ 1/10 के बॉक्स में 1 10 में से 1 10 का घटाव करेंगे तो 0 मिलेगा। हाँ, तो ऐसे 21 घटाव 12 9 होंगे, यानी कि बंटी के हिस्से में 9 चॉकलेट स्टिक्स आएगी। शाबाश बबली, तुमने सही उत्तर दिया। तुम अपनी स्टिक्स ले जाओ और पढ़ाई करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मम्मी। दोस्तों, आज हमने उदाहरण के द्वारा 10 के समूह की मदद से 2 अंकों की संख्याओं का उधार वाले घटाव करना सीखा। अगली वीडियो में हम बबली के अबेकस की मदद से बिना लिखे उधार बोरो वाले घटाव सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे।